हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। एक बार फिर से मैं आपका हमारे जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, अब तक तो सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जिलियंस बायर्स इज नथिंग बट द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। हमारे कस्टमर के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और जो भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ईजिली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे काफी सारे कमर्शियल फॉर्मेटिव वीडियोज देखे हैं जो बिजनेस रनिंग के लिए काफी यूजफुल होते हैं। साथ ही मैं प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पिछले वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे। ठीक है, ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए एक नया सेशन, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो भी आपके बिजनेस रनिंग के लिए काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा, जिसका एडवांटेज आपको काफ़ी हद तक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का हमारा ये नया सेशन, नया टॉपिक, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इन SAP MM। SAP MM सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपके साथ काफ़ी सारे डेमोज शेयर किए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, उसी की तरह आज फिर से हम एक बार देखेंगे कि SAP MM सॉफ्टवेयर में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का हम असाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स विद द एजेंडा। सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का एजेंडा क्या है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बाद में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, उसके बाद हम देखेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसके पहले आपने मेरा डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसमें भी मैंने आपके साथ ये क्लाइंट्स कंपनी कोड की एक हायरार्की शेयर की थी, ये भी एक उसी का हिस्सा है, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है जो कि आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्लाइंट असाइन करेंगे। तो क्लाइंट्स के टू टाइप्स, अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट है तो क्लाइंट इज देर इज अ टू टाइप्स ऑफ कंपनी कोड फॉर ईच क्लाइंट रिगार्डिंग बिजनेस यूनिट। तो यहाँ पर है हमारा कंपनी कोड वन और हमारा आता है दूसरा कंपनी कोड टू। हर कंपनी कोड का एक दो प्लांट्स होते हैं, टू टू थ्री प्लांट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के जरिए दो ही प्लांट कंसिडर किए हैं इन माई हायरार्की। सो देर इज अ प्लांट वन एंड प्लांट टू। अल्सो प्लांट प्लांट इज फॉलोड बाय स्टोरेज लोकेशन वन एंड स्टोरेज लोकेशन टू। फर्दर स्टोरेज लोकेशन इज फॉलोड बाय परचेज ऑर्गेनाइजेशन वन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय परचेज ग्रुप वन एंड परचेज ग्रुप टू। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की हायरार्की। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल वी आई डिस्क्राइब जस्ट बिफोर। सो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम किस तरह से कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, नेक्स्ट है हमारा असाइन प्लान टू कंपनी कोड, देन हम देखेंगे असाइनमेंट ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, नेक्स्ट रहेगा हमारा असाइनमेंट ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। फर्दर देयर इज अ असाइनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, देन असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये है हम फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स यू नीड टू गो टू डिस्प्ले IMG स्क्रीन। सो एंटर SPRO इन कमांड फील्ड। नाउ सेलेक्ट SAP रेफरेंस IMG। दिस विल नेविगेट यू टू द डिस्प्ले IMG स्क्रीन। First assignment is between company code and company. To assign company code to company, go to enterprise structure. Now select assignment. Now select financial accounting. Now select assign company code to company. Here you need to search for your company code. I am entering test data here. Now here you need to enter your company to assign it to your company code. Now click on save. Now click OK on customizing request pop-up. Your company code will be assigned to your company.
Next assignment is between plant and company code. To assign plant to company code, go to enterprise structure, then assignment. Now select logistics general. Now select assign plant to company code. To assign plant to your company code, click on new entries icon. Here you need to enter your company code and plant. I am entering test data here. Now click on save. Click OK on customizing request pop-up. Your plant will be assigned to company code. Now next assignment is between purchasing organization and company code. To assign purchasing organization to company code, go to same path, enterprise structure, then assignment. Now select materials management. Now select assign purchasing organization to company code. Now you need to search for your company code. Enter your purchasing organization. Now here you need to enter your company code. I am entering test data here. Now click on save. Click OK on customizing request pop-up. Your purchasing organization will be assigned to your company code. Now next assignment is between purchasing organization and plant. To assign purchasing organization to plant, go to enterprise structure, then assignment, then materials management. Now select assign purchasing organization to plant. To make a new entry, click on new entries icon. Here you need to enter your purchasing organization and your plant. I am entering test data here. Click on save. Click OK on customizing request pop-up. Your purchasing organization is now assigned to plant. Now next assignment is between standard purchasing organization and plant. To assign standard purchasing organization to plant, go to enterprise structure, then assignment, then materials management. Now select assign standard purchasing organization to plant. Here you need to search for your purchasing organization. Enter your plant. I am entering test data here. Now here you need to enter your purchasing organization. Click on save. Click OK on customizing request pop-up. Now your default purchasing organization is assigned to plant. Next assignment is between purchasing organization and reference purchasing organization. To assign purchasing organization to reference purchasing organization, go to enterprise structure, then assignment,
then materials management. Now select assign purchasing organization to reference purchasing organization. To make a new entry, click on new entries icon. Here you need to enter your purchasing organization and reference purchasing organization. I am entering test data here. Click on save. Click OK on customizing request pop-up. Now your reference purchasing organization is assigned to your purchasing organization. In this session, we learned how to assign organizational units. सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो मेरा सेशन मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने आपको समझाया कि SAP MM सॉफ्टवेयर में किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल को असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनी, कंपनी कोड, ठीक है, ये जो सारी लेवल्स थी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप, स्टोरेज लोकेशंस, सो मैं फिर प्लांट वन, प्लांट टू, ये सारे जो लेवल्स थी वो मैंने आपको इस SAP MM सॉफ्टवेयर के जरिए समझाने की कोशिश की है. सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है था वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो बिजनेस रन करते हैं उन सभी के लिए एक काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन. ठीक, इसी तरह मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी. सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.